ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 12th क्लास के मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, जिसमें हमने 3.1 यूनिट हल कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 3.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दो दी गई है तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखो, हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए तो -3, 2, 1, 1 -4, 7, इसका करण है 2/3। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमें बी, इसका करण है 3, 5 -2, -1, 4, -2, इसका भी क्रम 2/3। मैंने बताया था मैट्रिक्स का योग और बाकी समान क्रम की मैट्रिक्स में ही होता है। तो इसका क्रम देखो 2/3, इसका क्रम देखो 2/3, इसलिए इसका योग एडिशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो a प्लस बी हमें एडिशन करना है, तो माइनस का 3, 2, 1, 1 -4, 7, एडिशन 3, 5 -2, -1, 4, -2। मैट्रिक्स का योग करने के लिए संगत अवयव को संगत अवयव के साथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो a प्लस बी माइनस का 3 प्लस का 3, आगे 2 प्लस 5, आगे 1 -2, ये तो हो गई पहली पंक्ति। सेकंड पंक्ति में देखो 1 -1, -4, +4, 7 -2, हल करते हैं इनको तो मान आएगा a प्लस बी इक्वल 3 में से 3 कैंसिल, 0, 2 प्लस 5, 7 -1, 0, 0, 5, ये अपने आ गई 2/3 क्रम की मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स का हमने कर दिया एडिशन। आगे देखो, अभी ज्ञात करना है a माइनस बी। a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन बाकी आपको करनी है। तो देखो माइनस के 3, 2, 1, 1 -4, 7, -3, 5 -2, -1, 4, -2। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी समान कोटि के या समान क्रम की मैट्रिक्स में ही होता है, तो इनका भी जो क्रम है वो क्या है, समान है, तो इसलिए हम इनका सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो a माइनस बी संगत अवयव को संगत अवयव में से घटाने पर माइनस के 3 और ये माइनस का 3, फिर आगे 2 -5, 1 - और फिर माइनस के 2 आपको दे रखे, 1 - फिर माइनस का 1 आपको दे रखा है, -4, -4, 7 - और माइनस का 2 आपको दे रखा है। तो a माइनस के b इक्वल 3 - 3, माइनस के 6 हो गए, माइनस के 3, 1 + 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर 1 + 1, -8, 7 + 2, तो मान आया कि a माइनस के b इक्वल माइनस के 6, माइनस के 3, 3 और 2, माइनस के 8 और 9, ये हो गया आपके a माइनस बी का मान। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि a प्लस बी
और a माइनस बी, ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, एक दे रखी है a प्लस बी की, एक दे रखी है a माइनस बी की। तो आपको मैट्रिक्स याद करनी है a और b, ये तो साथ साथ है, आपको अलग अलग इनकी मैट्रिक्स आपको याद करनी है। तो देखो a प्लस बी ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको माइनस के 7 0 2 माइनस के 5, इसको मान लिया हमने इक्वेशन पर a माइनस का b इक्वल 3 माइनस के 2 0 3, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर एडिशन करने पर तो मान आएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस a माइनस का b इक्वल माइनस के 7 0 2 माइनस के 5 प्लस 3 माइनस के 2 0 और 3। इन दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या है, समान है, इसलिए इनका योग हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी, कैंसिल, ए प्लस ए ये हो गया 2a, और यहाँ पर आगे संगत अवयव को संगत अवयव के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो माइनस के 7 प्लस के 3 0 माइनस के 2 2 प्लस 0 माइनस के 5 प्लस 3। आगे देखते हैं, मान है 2a इक्वल, एड करने को मान हो गया यहाँ पर माइनस के 4 माइनस के 2 2 और माइनस के 2, यहां पर दे रखा है 2, ये इंटू में दे रखा है, इसको भेजेंगे इधर, तो ये मान लेगा a बराबर 1/2, ये डिवाइड के रूप में पार्ट के रूप में आ गया। तो किसी मैट्रिक्स को अगर किसी संख्या से गुणा या भाग करवाते हैं तो उस संख्या का उस मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ क्या लगेगा, या तो गुणा होगा या फिर भाग होगा। हमारे यहाँ पर 1/2 दे रखा है, इसका मतलब इन सभी संख्याओं में 2 का भाग लगेगा। तो देखो a इक्वल माइनस के 4/2 माइनस के 2/2 2/2 माइनस के 2/2, a इक्वल माइनस के 2 माइनस का 1 1 और माइनस का 1, ये हमारे मैट्रिक्स आ गई 1। अब हमें मैट्रिक्स b भी याद करनी है, तो मैट्रिक्स a का मान, मैट्रिक्स a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट ईयर है, इसमें हमें मैट्रिक्स ए का मान रखना है, तो मान रखते हैं माइनस के 2 माइनस का 1 1 माइनस का 1, फिर प्लस बी इक्वल में दे रखिए आपको माइनस के 7 0 2 माइनस के 5, हमें मान याद करना है मैट्रिक्स बी का, इसलिए जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको करेंगे हम पक्षांतरण करेंगे। तो आगे पक्षांतरण करते ही देखो, ये मानेगा b बराबर मैट्रिक्स आपको देखती है माइनस के 7 0 2 माइनस के 5, और ये आगे माइनस के रूप में पक्षांतर कर दिया हमने, तो माइनस का 2 माइनस का 1 1 और माइनस का 1, ये अपने मैट्रिक्स आ गए, इनको हल करते हैं। तो माइनस के 7 माइनस और माइनस के 2 0 माइनस माइनस के 1 2 माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस माइनस के 1,
मान आया अपने माइनस के 7 प्लस के 2 0 प्लस 1 माइनस के 5 प्लस के 1। तो यहां पर मान हो गया अपना माइनस के 5 1 और माइनस के 4। और ये मैट्रिक्स हमने बी भी ज्ञात कर ली। इस प्रकार हम मैट्रिक्स ए और बी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में देखा यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हो तो मैट्रिक्स सी का मान ज्ञात करना है, जहां आपको दे रखा ए प्लस टू बी प्लस की सी बराबर 0। मतलब इन तीनों का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और 0 क्या है? एक शून्य मैट्रिक्स है। अब शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। चलो हल करते हैं इनको। आपको दिया है ए प्लस टू बी प्लस के सी बराबर 0। तो मान रखते हैं इसमें मैट्रिक्स ए का मान आपको दे रखा है 1 3 2 1 3 माइनस के 1। फिर प्लस 2 इंटू में है बी मैट्रिक्स, और 2 1 1 2 माइनस के 1 और 0 प्लस सी मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी है। और यहां पर देखिए 0 मैट्रिक्स, इनको हल करते हैं 1 2 2 1 3 माइनस के 1। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को अगर किसी संख्या से गुणा भाग करते हैं वो सभी अवयव के साथ होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखा 2, इसका मतलब है ये 2 सभी अवयवों से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 4 2 2 4 माइनस के 2 और 0, और यहाँ पर प्लस के सी बराबर 0। बीच में एडिशन प्लस दे रखा है, तो दोनों का क्या करना है? आपको एडिशन करना, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ ऐड करना है। तो 1 प्लस 4 2 प्लस 2, फिर नीचे 2 प्लस 2, 1 प्लस 4, 3 माइनस के 2 माइनस के 1 प्लस 0 प्लस के c बराबर 0। इनको हल करते हैं तो मान आएगा अपने 5 4 4 5 1 और माइनस के 1 प्लस के c बराबर 0। आइए देखो, हमें मान याद करना है केवल c का, तो ये वाली मैट्रिक्स है, इसको करते हैं हम पक्षांतरण। पक्षांतरण का निर्माण जाएगा c बराबर 0 माइनस 5 4 4 5 1 माइनस के 1। अब 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो वापस वही संख्या ऋणात्मक रूप में आ जाएगी। तो c बराबर माइनस और मैट्रिक्स हो गई 5 4 4 5 1 माइनस के 1। तो बाहर मल्टीप्लाई के रूप में देखा माइनस का 1 मान सकती है, फिर माइनस ही, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मान जाएगा यहाँ पर c बराबर माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस का 1 और प्लस का 1। ये हो गए आपके मैट्रिक्स c, और यही c मैट्रिक्स आपको क्या करें। अगला क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी रखी हो तो आपको क्या करना, 3a² माइनस के 2b। तो देखो 3a² और ए स्केयर तो आपको देने रखा, हमें दे रखा a, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a स्केयर। मैट्रिक्स a आपको दे रखी है यहाँ पर 2 माइनस के 1 3 2। मैट्रिक्स b आपको दे रखी है 0 4 माइनस के 1 और 7। ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है। हमें पता है a इंटू ए
किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए को ए से गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं, टू माइनस के वन थ्री टू इंटू में आएगा वापस सही मैट्रिक्स आ जाएगा, टू माइनस के वन थ्री और टू मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो पहली वाली मैट्रिक्स होती है उसकी रहते हैं हम पंक्ति, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होती है उसकी रहती है हम स्तंभ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले अवयव को पहले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू इंटू टू, फिर प्लस माइनस का वन इंटू थ्री, ये तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आ गया, और इनके कारण हमारे पास केवल एक अवयव बनेगा, पहला अवयव ए ग्यारह बन गया। आगे देखो, वही पहली पंक्ति और सेकंड स्तंभ लेंगे जिससे हमारे दूसरा अवयव ए बारह बनेगा। तो करते हैं, पहले अवयव को पहले से मल्टीप्लाई, टू इंटू माइनस का वन प्लस माइनस का वन इंटू टू। आगे और स्तंभ नहीं है इसलिए यहां तक ही आएंगे। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, वही ऊपर से तरीका लेने का, पहले अवयव को पहले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस दूसरे अवयव को इस दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री, ये हमारे पास सेकेंड पंक्ति का पहला अवयव ए 21 प्राप्त हो गया। अब आगे दूसरे स्तंभ में आएंगे इसलिए दूसरा अवयव हमारे पास प्राप्त होगा। तरीका वही है मल्टीप्लाई करने का, थ्री इंटू माइनस का वन प्लस टू इंटू टू, ये हमारे पास मान आ रहा है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर बराबर इनको हल करते हैं तो मान आएगा फोर माइनस के थ्री माइनस के टू माइनस के टू, सिक्स प्लस सिक्स माइनस के थ्री प्लस के फोर। आगे देखो, माना है आपने ए स्क्वायर बराबर माइनस का सॉरी प्लस का वन माइनस के फोर ट्वेल्व और प्लस का वन, ये हमारे पास मान आ गया यहाँ पर ए स्क्वायर का। आगे देखो, हमें याद करना थ्री ए स्क्वायर, याद करना हमें मान थ्री ए स्क्वायर माइनस के टू बी। तो मान रखते हैं थ्री ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास वन माइनस के फोर ट्वेल्व और वन, फिर माइनस के टू मैट्रिक्स भी अपने पास है जीरो फोर माइनस के वन और सेवन, इनको हल करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, थ्री माइनस के ट्वेल्व थर्टी सिक्स थ्री माइनस, अब टू को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो एट माइनस के टू और फोर्टीन, इस माइनस को बाहर रखा हमने केवल टू से मल्टीप्लाई किया है। अब इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, संगत अवयव को संगत अवयव से रखाएंगे, तो थ्री माइनस के जीरो माइनस के ट्वेल्व माइनस के एट थर्टी सिक्स माइनस माइनस के टू थ्री माइनस के फोर्टीन। आगे माना थ्री माइनस के ट्वेंटी थर्टी सिक्स प्लस के टू माइनस के इलेवन, आपके आंसर आया थ्री माइनस के ट्वेल्व थर्टी एट माइनस के इलेवन।
ये आ गया आपके आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे, एक नंबर का और दो नंबर।